हूँ विश्राम। जी। अब बोले आप। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनूप भाई का बहुत शुक्रिया वेलकम करने का, और हम खुदा के नाम को सारा जलाल देते हैं कि जिसने आज फिर हमें ये वक्त और मौका अता किया। और हमारी बहन सिस्टर नसरीन ने बहुत अच्छी दुआ की खुदा की रूह की हिदायत से। लेकिन इससे पहले कि मैं कलाम शुरू करूं, मुझे ये रूहानी तौर पर फील हो रहा था कि एक छोटी सी और कलाम के लिए दुआ की जाए। तो आए हम सब अपने सरों को झुकाकर अपनी आंखों को बंद करके खुदावंत की हजूर पेश होते हैं। ऐ मेहरबान कुदूस जिंदा जलाली खुदावंत, तेरा कलाम जो जिंदगी बख्श, जिंदगियों को तब्दील करने वाला कलाम है, आज खुदावंत जब हम इस कलाम को पढ़कर इससे तेरी गहरी बातों को सीखने को है, तो खुदावंत मैं अपने लिए, अपने इन बहन भाइयों के लिए तेरी बड़ी हिकमत और दानाई को मांगता कि तेरा पाक रूह खुदावंत कलाम को समझने में, कलाम को पहुंचाने में हमारी और मेरी खुदावंत रहनुमाई, और खुदावंत तेरे पाक रूह की हदायत से जो मुझे रूहानी तौर पर महसूस हुआ, खास तौर पर दुआ करता हूँ इस इबादत में मौजूद एक एक फर्द के लिए, एक एक शख्स के लिए, कि खुदावन जो भी जिस्मानी थकावट परेशानी स्ट्रेस कुछ भी है, उसे ये सुनास्त्री के नाम में हुक्म देते हैं कि वो भी उस जिस्म को छोड़कर उससे दूर। और खुदावन इस इबादत में मौजूद तमाम लोगों के दिल, खुदावन उनके दिलों की जमीन तेरे कलाम के बीज को रिसीव करने के लिए खुदावन पूरी तौर पर तैयार है, कि जब तेरे कलाम का बीज खुदावंद आज तमाम लोगों के दिल की जमीनों में बोया जाए, तो खुदावन वो बहुत सारा फल लाए और वो फल बहुत से दूसरे ईमानदारों का दिल खोल सके। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं उसी तेरे प्यारे बेटे अपने पुराने मसीह के नाम में। जी आज का कलाम हम शुरू करते हैं। आज का कलाम का जो मजमून है वो है खुदा से ताल्लुक की बहाली। इसमें पहले जो दो हवाला जात मैं पढ़ूंगा, उसमें जो पहला हवाला है वो है अब्रानियों उसका 12वां बाब उसकी पहली से दूसरी आयत। अब्रानियों उसका 12वां बाब उसकी पहली से दूसरी आयत। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठे। और आज के कलाम के हवाले से जो दूसरा हम हवाला पढ़ेंगे वो है रोमियो उसका 12वां बाब उसकी पहली से दूसरी आयत। रोमियो 12वां बाब पहली से दूसरी आयत। बस भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी। तो मेरे अजीजों, आज का कलाम जो मैं पेश करने को हूँ खुदा की हदायत से, पाक रूह की हदायत से, वो उसमें जो गौर तलब बात है वो है अब्रानियों के 12वें बाब की पहली आयत में, तो हम हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है। यहाँ हम गौर करते हैं
कि कलाम में ये लिखा हुआ है कि गुनाह जो है वो हमें बड़ी आसानी से उलझा लेता है। आज के दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, उसमें और भी ज्यादा ये आसान है इबलीस के लिए, शैतान के लिए, जो हमें खुदा से दूर रखना चाहता है, कि वो आसानी से हमें गुनाहों में उलझा लेता है। लेकिन जो दूसरा हवाला हमने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि अक्ल नहीं हो जाने से अपने आप को तब्दील करते जाओ और इस जहां के हम शक्ल ना बने। आज के जहान में अगर हम देखते हैं तो हर तरफ एक अफरा तफरी है, हर तरफ एक जल्दबाजी की कैफियत है। हम बहुत ज्यादा अपनी दुनियादारी के कामों में मसरूफ हो चुके हैं, और इतने मसरूफ हो चुके हैं कि बाज़ औक़ात हमारे पास इतना भी वक्त नहीं होता कि हम खुदा के हजूर आकर उसकी इबादत कर सकें। और ये रूह की और जिस्म की जंग हमेशा चलती रहती है, जब तक कि हम इस दुनिया को छोड़कर अपने बनाने वाले, अपने पैदा करने वाले खुदा के पास नहीं चले जाते। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर हमने कभी रोजा रखना हो तो हमें अपने आप पर बहुत ज्यादा बोझ फील होता है। अगर हमने इरादा किया, अगर हमें खुदा की तरफ से ये फील हो रहा है कि हमें कल या किसी मखसूस दिन पे रोजा रखना चाहिए, तो हमें एक दो दिन पहले ही जो है वो बर्डन फील होना शुरू हो जाएगा कि मैंने सारा दिन भूखा रहना है, मैंने अपने काम जो है, मेरी ड्यूटी मैंने वो भी करनी है, मैंने बाकी जो अपने मामला है उनको भी रखते हैं, और मैं जो है वो रोजा भी मुझे रखना पड़ेगा। तो हमारे जहन पर एक बोझ बन जाता है, ना कि रोजा जो है वो खुदा की नजदीकी को हासिल करने का या खुदा की कुर्बत को हासिल करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसमें इंसान अपने जिस्म को अपनी पसंदीदा खुराक से, खाने पीने से दूर रख के खुदा की कुर्बत को महसूस करता। उसके बरक्स जब हम देखते हैं कि दुनियादारी में जब खाने पीने की बात आती है, तो हम जो कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, जो कुछ हमें मिलता है, हम उसको इंजॉय करते हैं। तो एक बड़ी छोटी सी चीज़ है कि हम दुनियादारी की चीज़ों को इंजॉय करने में, खाने को इंजॉय करने में, हम हर तरह का खाना इंजॉय करते हैं, लेकिन जब रूहानी बात आती है तो हमें अपने आप पर बर्डन फील होना शुरू होता है। इसका मतलब है कि हम रूहानी और जिस्मानी जंग में सारा टाइम रहते हैं। दूसरी इसकी मिसाल यह है कि अगर हम कभी किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या हम अपने पास से कोई बड़ी ही खूबसूरत और महंगी गाड़ी गुजरते हुए देखते हैं, तो हमारे दिल में एकदम ख्वाहिश आती है कि हमारे पास ऐसी गाड़ी क्यों नहीं है, खुदा हमें ऐसी गाड़ी क्यों नहीं दे रहा। तो वो एक लम्हा होता है कि हम ईमानदार होते हुए, हालांकि हमारा क्या वो नई पैदाइश भी हो चुकी होती है, हम खुदा के कलाम को भी समझते हैं, हमें इसका भी पता होता है, लेकिन ख्वाहिश जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो हमें गुनाह की तरफ माइल करना शुरू कर देती है, और खुदा ने जो कुछ हमें दिया हुआ है हम उस पर तकिया नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं, मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ। और आपने ये तजर्बा किया होगा कि जब आप बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और कभी कभार आपको ये फील होता है कि मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ लेकिन शायद अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं, तो आपको वहाँ पर एक एहसास महरूमी होना शुरू हो जाता है, जो कि अपने आप में एक खुदा की नाशुक्री की बात है। खुदा ने हमें किस कदर नेमतों से नवाजा है, लेकिन हमारा रूहानी बातों के बजाय दुनियावी बातों पर ज्यादा ध्यान, इसलिए शॉपिंग मॉल्स में जाना, दुनियादारी की चीजों की ख्वाहिश रखना, ये बुरी बात नहीं, लेकिन जब हम अपने आप को उन चीजों के लिए खुदा से दूर करना शुरू कर देते हैं, या हम उन रास्तों पर चल निकलते हैं जो कि खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, या हम अपनी कुव्वत के हिसाब से, अपनी कुव्वत के जोर पे, अपने वक्त पर चीजों को हासिल करना चाहते हैं, तो वो एक ईमानदार के लिए, स्पेशली जिसका रूहानी जन्म हो चुका है, जो खुदा के कलाम को समझता है, उसके लिए तमाम बातें दुरुस्त। अगर हम किसी फंक्शन को अटेंड करते हैं तो क्या हम उसको दुनियादार की तरह करते हैं जैसे दुनिया वाले करते हैं, या हमें लोग इस तरह से देखते हैं कि नहीं, अगर ये शख्स खुदा की कुर्बत का इकरार करता है तो इसमें जाहिरी तौर पर भी मुझे मसीह नजर आता है, क्या हम शादी ब्याहों में उसी तरह से शिरकत करते हैं जैसे आम दुनियादारी में करते हैं,
क्या हमारा कंपटीशन होता है कि हमने सबसे अच्छा ड्रेस पहनना है या हमने सबसे ज्यादा अच्छा जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करना है कि तमाम लोग मेरी तरफ देखें। लेकिन मेरा ये तजर्बा है कि कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो रहा हो, कोई और फंक्शन हो रहा हो जहाँ सेलिब्रेशन चल रही है, तो खुदा के जो लोग होते हैं वो एक साइड पर भी बैठे हो तो लोग खुद जाकर उनसे मिलते हैं। उनकी कोई ऐसी चमक दमक नहीं होती, ना उन्होंने कोई ऐसे मॉडर्न ड्रेसेस पहने होते हैं, ना कोई ऐसा मॉडर्न मेकअप किया होता है कि वो अट्रैक्टिव लगे। उनमें सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है कि वो खुदा पे बनते हैं, और खुदा का रूह जिनमें सच्चाई से काम करता है, जो खुदा के रूह को सच्चाई से कबूल करते हैं, उनकी एक अलग कशिश होती है। और आप किसी भी जगह पर जाएंगे, इवन अपनी वर्क प्लेस में भी लोग आपको जानते होंगे कि आप मसीही हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी अक्ल नहीं हो चुकी, आप दुनियादारी की बातों से हट चुके हैं। आपने जो मसीह की हकीकत है, जो मसीह ने आपको हिकमत और दानाई दी है, अब वो है आप में। अब आप दुनियादारी की तरह कंपटीशन में नहीं कि मैंने अपने बॉस को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा चीजें करनी है, आप उतना ही काम करेंगे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी को भी दिखाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बल्कि आप कलाम के मुताबिक चलते हुए वो काम करेंगे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उससे आप कोई देख रहा है या कोई नहीं देख रहा, आप उस काम को उसी तरह से करेंगे कि जैसे आपका बॉस वही करना चाहिए। लेकिन दूसरे लोग छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे फायदों के लिए दिखावा करते हैं, लेकिन खुदा के लोग इस तरह नहीं करते। और जैसे कलाम में लिखा है कि जब हमारी अक्ल नहीं हो गई है तो हमने दुनियादारी की तरह नहीं चला। आज लोग कर्जे उठाकर अपने इवेंट्स करते हैं, वजह क्या है कि वो दुनियादारी में पड़े हुए हैं। उनका मकसद यह है कि वो दुनियादारों को दिखा सके कि उनके पास कितना पैसा है और वो किस तरह से अपनी खुशियों को मनाते हैं। लेकिन एक मसीही के लिए उसकी हकीकी खुशी खुदा में है। वो हमेशा शादमा नहीं पाता है अपने उन लोगों में जो उसके हम ख्याल हैं, जो मसीह के साथ मोहब्बत रखते हैं, जो प्योर फेलोशिप करते हैं, रूहानी फेलोशिप। और हमेशा मेरा ये अपना भी तजर्बा है, आप में से भी बहुत से लोगों का होगा, कि हम हमेशा ऐसे लोग ढूंढते हैं जो हमारे साथ बैठ के खुदा के कलाम की बातें करते रहे, खुदा के कुदरत के कामों की बातें करते रहे। लेकिन जब आप कभी दुनियादार लोगों में बैठ जाएंगे तो आपका वहां बैठना मुश्किल हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगी कि उनके साथ दुनियादारी की बात क्या की जा सके। लेकिन जब आप प्योर रूहानी लोगों के साथ बैठते हैं तो आपका दिल नहीं करता कि आप उनके साथ खत्म करें। उसकी वजह क्या है कि वहां सिर्फ आप और दूसरा शख्स मौजूद नहीं होता, आपके दरमियान मसीह मौजूद होता, जो उसमें भी रूह काम कर रहा है, आप में भी रूह काम कर रहा है, और रूह आपको एक करता है। लेकिन जहां पर दुनियावी बातें होंगी वहां पर रूह काम नहीं करता। और आप अगर बातों को रूहानी साइड पर ले जाना भी चाहेंगे तो वो अगला बंदा आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो रूहानी बातों में इंटरेस्टेड नहीं, वो दुनियावी बातों में इंटरेस्टेड है। इसलिए हमारी रूहानी लोगों के साथ फेलोशिप बहुत जरूरी है कि हमारी रूहानी ग्रोथ होती रहे, हम रूहानी तौर पर नशोनुमा पाते। और जैसा ये प्लेटफॉर्म बहुत देर से चल रहा है और खुदा इसको इसी तरह कंटिन्यू रखे, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ऑनलाइन रूहानी महफिल होती है जिसमें लोग खुदा का कलाम सुनते हैं, और बेशक कलाम के वसीला से, खुदा के साथ इस कमिटमेंट के वसीला से खुदा बहुत से लोगों में जो इसके साथ जुड़े हुए अपनी कुदरत को हर रोज उनकी जिंदगी में जाहिर करता है। इसके बाद हम तीसरा हवाला पढ़ते हैं कि जब हम दुनियादारी के बातों से निकल कर खुदा की ताबेदारी करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में क्या होता है। तीसरा हवाला हम पढ़ेंगे पहला करंथियों उसका पहला बाब उसकी 26 से 31 आयत। भाइयों, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया
मौजूदों को नीस कर, ताकि कोई बशर खुदा के सामने पत्थर ना करे, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यसु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत यानी रास्तबाजी और पाकीजगी और मुक्ति, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो खुदा उन पर फख्र करे। इसमें दुनियादारी से अलग होने की एक बात, जो मैं खुदा से हदायत मांग रहा था, क्योंकि मुझे रूहानी तौर पर ये फील हुआ कि हमें दुनियादारी की तरह नहीं बनना चाहिए। जो लोग दुनियादारी में पड़े हुए हैं, हमें कम से कम ऐसी जगहों पर जाना चाहिए जहां पर हमें दुनियावी अट्रैक्शन फील हो सके। इट मीन्स कि हमें अपने कनेक्शन को, अपने कॉन्टेक्ट को उन लोगों के साथ जरूर रखना चाहिए, लेकिन वो एवेंजलिज्म के लिए, खुदा के कलाम को सुनाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को खुदा के कलाम की जरूरत है। लेकिन हमें ऐसी महफिलों को, ऐसी दुनियादारी की जगहों को अवॉइड करना चाहिए जो हमें खुदा से दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ दुनियावी अट्रैक्शन की चीज़ें हैं। इसमें इससे मैं इस बात के लिए खुदा से गाइडेंस मांग रहा था कि इस बात पर क्यों इतना मेरे जहन में ये जोर आ रहा है कि दुनियादारी से अपने आप को अलग कर। फिर खुदा ने मुझे इसके मुतालिक जो एक पैगाम दिया, एक क्लैरिफिकेशन दी, वो ये थी कि अगर हम पुराने अहदनामा में देखते हैं तो हमें दाऊद का एक वाकया मिलता है कि जब बादशाह को चुनना था, उसका चुनाव होना था, तो दाऊद के बाकी भाई उसी जगह पर मौजूद थे, और उसके बाप ने, दाऊद के बाप ने सब भाइयों को बुलाकर वहां पेश किया, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं था। उनमें सिर्फ एक मौजूद नहीं था, और वो था दाऊद। दाऊद कहाँ था? दाऊद उस वक्त चरागाहों में था अपनी भेड़ों को चराने के लिए। तो चरागाहें कैसी होती हैं? चरागाहें सेंट्रल एरिया में नहीं होती, वो आबादी से दूर होती। तो जब दाऊद वहां पर अपनी भेड़े चरा रहा था, तो इसका मतलब है कि वो दुनियादारी से कटा हुआ था। वो जो उसके बाप के घर में या उसके भाई जिन महफिलों में, जिन बाजारों में घूमते होंगे, जिन लोगों से मिलते होंगे, वो उन सबसे नहीं मिलता था। वो चरागाहों में अपनी भेड़ों के साथ, अपनी भेड़ों की हिफाजत में उसकी फॉर्मेशन हो रही। वो अपनी भेड़ों को कभी रीछ से, कभी शेरों से, कभी दूसरे दरिंदों से बचा रहा। और दाऊद फिर उस वीराने में क्या करता? ज़ाहिर बात है, फिर दाऊद बरबत बचाता था, वो खुदा की हमदो सना करता होगा। इट मीन्स के हम ये देखते हैं कि दुनियादारी से दूर चरागाहों में, जहां पर भेड़े चराई जाती हैं, खुदावंद खुदा जो है वो दाऊद की फॉर्मेशन कर रहा था कि वो बिल्कुल दुनिया से सेपरेट होके खुदा की गुर्बत को ज्यादा कसरत से महसूस करे, क्योंकि खुदा ने इस पर बहुत ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो एक तरह से दाऊद अपनी कुर्बानी दे रहा था दुनियादारी से दूर रहते, अपने घर से दूर रहते, लेकिन दूसरी तरफ वो खुदा के हाथ के नीचे था, वो खुदा के मकबूले नजर था, खुदा उसकी फॉर्मेशन कर रहा था, क्योंकि उसको खुदा ने बादशाह बनाना। हम देखते हैं पुराने ही अहदनामा में मूसा, जो कि बादशाह के घर में सारी उसकी परवरिश हुई, शहजादों की तरह रहता था, खुदा ने उसको भी मिस्र से निकाल कर दूर इलाका में भेज दिया, जहां पर वो अपने ससुर के घर में रहा, वो भी दूर आबादी से दूर, जो मेन मिस्र का इलाका था उससे दूर, दुनियादारी से दूर रखा गया। और फिर झाड़ी में नजर आकर खुदा ने मूसा को दोबारा मिस्र में जाने के लिए कहा, ताकि अपने लोगों को आजाद करवा सके, वो भी बियाबान में, आबादी से दूर, मेन इलाका से दूर। इब्राहिम को खुदा ने कहा कि अपने घर को छोड़ और दूसरी जगह पर जा। इब्राहिम ने अपना जो आबाई इलाका था उसको छोड़ा, जो उसके लोग थे, जो उसके रिश्तेदार थे, उनसे खुदा ने उसको अलग किया। नए अहदनामा में हम आते हैं, नए अहदनामा में हम देखते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी वो भी अवान में घूम, बियाबान में सिर्फ यूहन्ना इस्तबागी था और वहां घूमता था, खुदा की इबादत करता था, और लोग आबादियों से निकलकर उसके पास जाते थे कि तौबा का बपतिस्मा ले सके। उसके बाद सबसे बड़ी
अपने खुदावन यीशु मसीह की हम मिसाल दें कि खुदावन यीशु मसीह अपनी खिदमत से पहले रूह की हदायत से बियाबान में चले गए ताकि 40 दिन दुआ और रोजे में गुजारें और अबलीस से आजमाए जाएं। तो जब हम ये पैटर्न देखते हैं तो इसमें मुझे खुदा का बड़ा क्लियर पैगाम मिला कि आबादी से दूर होना, मेन महफिलों से, मेन दुनियादारी से अलग होना क्यों जरूरी है। इसमें तमाम बड़े खुदा के जो लोग हैं, जो कलाम की बड़ी शख्सियात हैं, जिनमें सबसे कामिल शख्स खुदा यीशु मसीह, उसकी भी हम जब खुदावंत की मिसाल देखते हैं तो वो सभी आबादी से दूर हुए। तो फिर मुझे इस खुदा के कलाम से, इस गाइडेंस से बड़ी तसल्ली मिली कि अगर हम दुनियादारी वाली जगहों पर नहीं जा रहे जहां पर हमें दुनियावी अट्रैक्शन हो सकती है, तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने ये समझ दी, ये हिम्मत दी कि दूर रहना क्यों जरूरी है। दूर रहने का मकसद यह है कि हम खुदा की कुर्बत को हासिल कर सकें। तो जब हम खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं तो फिर होता है कि पहला करंथियों उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए। तो इसमें जिस बात पर गौर कर रहे हैं वो है, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। इट मीन्स कि जो भी इस इबादत में मौजूद है, जो भी बात में इस कलाम को सुनेंगे, वो बुलाए जाने पर निगाह करके यहाँ पर आए, वो खुदा की हदायत से आए। जो इस कलाम को बाद में सुनेंगे वो बुलाए जाने के मुताबिक इस कलाम को सुनेंगे, वो कोई उनके लिए एक्सीडेंटल इवेंट नहीं होगा कि वो हादसाती तौर पर इस बात को सुनेंगे, वो खुदा की तरफ से बुलाए गए हैं। तो हम अपने बुलाए जाने पर निगाह करके हम देखते हैं कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करें। इसमें इन आयात पर जब हम जिक्र करते हैं तो हमें तीन तरह के लोगों का जिक्र मिलता है जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जिसमें पहला जो क्राइटेरिया है वो है खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दूसरा है और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और तीसरा है और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नीच करे। तो जब मैं खुदा से इस कलाम के लिए हदायत मांग रहा था तो इन तीन क्राइटेरियाज पर, इन तीन बातों पर मेरा जो है वो ध्यान गया। और उसमें जो पहली बात है कि बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करें। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं वहां पर अगर मुझे कोई मौका मिलता है कि मैं कुछ भी झूठ बोलकर, किसी भी तरह का कोई गलत काम करके अगर मैं कुछ पैसे कमा लेता हूँ, किसी से कोई चीज ले लेता हूँ धोखे से, तो मैं बहुत इतरा कर बड़े फख्र से जो है वो दूसरों के सामने कहूँगा मैं फलाह बंदे नूं इंज दा हाल आया, मैं अपने बॉस नूं क्या ऐ सीते मैं गया अपनी जगह, मैं जड़ा है वो इन्हें दी इन्हें मैंने पैसे वापस आने चाहिए लेकिन उन्होंने मैंने इन्हें गलती ना वापस करते थे, मैंने दोबारा नहीं दसा किसी को ज्यादा पैसे दे दिए। और जो दुनियादार लोग होंगे वह के बहुत जबरदस्त, आप तो बहुत अकलमंद है, आप तो बड़े होशियार हैं, आपने इस तरह से उनको कहकर तो इस तरह अपना काम कर, वो इस बात की निशानदेही करेंगे नहीं करेंगे कि आपने गलत। लेकिन जब ईमानदार के सामने यही एक सिचुएशन आती है तो वो खुदा के खौफ और खुदा की मोहब्बत में होते हुए उस अपॉर्चुनिटी को जो उससे वक्ती तौर पर फायदा दे सकती है वो उसको नहीं लेगा, पर जब वो बताएगा अपने किसी दोस्त को कि यार मुझे इस तरह से फायदा हो रहा था लेकिन मैंने उसको मना कर दिया कि आपने ये मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, मुझे इतने पैसे नहीं आते, तो वो कहेगा यार तू बेवकूफ है, आज दे दौर भी इतनी महंगाई है, अगर तेनों ज्यादा पैसे मिल गए तो क्यों वापस कर देते, तू तो बड़ा बेवकूफ आदमी है। तो ये है कि दुनियादारी की हिकमत होशियारी क्या है, और जो खुदा के नजदीक हिकमत वाले हैं
उनको दुनिया बेवकूफ है, और खुदा ने उनके बारे में कहा कि जो उसके हुक्म पर चलते हैं दुनियादारी के लिहाज से वो बेवकूफ, दुनियादारी के लिहाज से वो हिम्मत वाले नहीं, क्योंकि वो दुनियावी बातों में नहीं गिरते, वो दुनियावी कामों में नहीं पड़ते। लेकिन जो दुनियावी बातों, दुनियावी चीजों, दुनियादारी में पड़ते हैं, वो होशियार तो हैं लेकिन वो खुदा के नजदीक होशियार नहीं, वो सिर्फ दुनियादारी के लिहाज से होशियार है। दूसरा हम देखते हैं, कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करें। इस पे मैं सोच रहा था तो खुदा के रूह के वसीला से मुझे ये कलाम मिला कि कमजोर, कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करें। हम देखते हैं अपने पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में भी, इंडिया में भी बहुत सी इबादत होती हैं जहां पर जब खुदा के खादम दुआ करते हैं तो मोस्टली जो लोग आए होते हैं वो आए होते हैं कि अपना मौजा रिसीव करते हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी को जिस्मानी मसाइल होते हैं, बीमारियां होती हैं, तो ऐसे भी खुदा के फजल से काम हुए हैं बड़े बड़े के, टूटी हड्डियां जुड़ जाती हैं, रसौलियां गायब हो जाती हैं, गुर्दे नहीं पड़ जाते हैं, कैंसर लाइलाज मर्ज है, उसके अलावा बहुत से लाइलाज मर्ज है जो दूर हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं? इट मीन्स कि वो कमजोर लोग खुदा की इबादत में आते हैं, वो खुदा को अपना निजात दहिंदा जानते हुए इबादत में जब आते हैं तो खुदा के खादम के वसीला से खुदा उनको शफा देता है, तो उन कमजोरों को खुदा चुन लेता है कि खुदा शफा दे। लेकिन बहुत से अमीर जो अपने लाखों करोड़ों रुपए लगाकर हॉस्पिटल्स में जाते हैं, दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लेकिन अपनी दुनियावी जिंदगी खत्म होने तक वो उस मुसीबत से निजात नहीं पाते, तो खुदा जोरावरों को शर्मिंदा कर देते। खुदा एक गरीब आदमी को, एक रेड़ीबान को, एक मजदूर को, एक दिहाड़ीदार को अपने पाक लहू के वसीला से शफा देकर उन दुनियावी ईमानदारों को नहीं बल्कि उन दुनियावी अमीरों को, उन दुनियावी बड़े लोगों को जो समझते हैं कि वो अपने पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, खुदा शर्मिंदा करता है कि वो अपने पैसे से हर चीज नहीं कर सकते, ना वो अपने पैसे से शिफा खरीद सकते। लेकिन हमारा खुदा जो अजीम है, वो दुनिया के कमजोरों को, उन पर नजर करके, उनके ईमान को देखकर उन्हें शिफा बख्श देता है। इसमें जो तीसरा है वो है, खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया के मौजूदों को नीस करे। इसमें जो लफ्ज गौरतलब है वो है नीस, और इसकी हमें जो बहुत बड़ी एक मिसाल मिलती है, जो खुदा यीशु मसीह ने खुद बताई कि लाजर और अमीर आदमी के पास हर तरह की दौलत थी, हर तरह की उसके पास चीज थी, जो कुछ वो खाना चाहता था वो खाता था, जिस चीज से वो इंजॉय करना चाहता था उससे इंजॉय करता था, और लाजर जो उसके दरवाजे पर पड़ा होता था और इस उम्मीद में होता था कि उसके मेज से कुछ गिरे तो उससे उठाकर खा ले, और यहां तक उसकी हालत बुरी थी कि कुत्ते आकर उसके नासूर चाटते। लेकिन जब वो दोनों इस दुनिया से रुखसत हुए तो लाजर तो बाप इब्राहिम की गोद में हमेशा के आराम के लिए चला गया, लेकिन जो ईमानदार था वो नीच था। तो जब हम इसको स्टेप वाइज देखते हैं तो खुदा ने बेवकूफों को चुन लिया, कमजोरों को चुन लिया और मौजूदों को नीस किया, तो इसमें हमें एक सीक्वेंस नजर आता है। तो खुदावन के साथ जुड़ा रहने में, उसकी बरकत को पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम दुनियादारी से दूर रहें। और आज हम सब अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे कि हमें खुदा के कलाम की हदायत के मुताबिक किस चीज में अट्रैक्शन फील होती है, खुदा मुझे किस बात के लिए कह रहा है कि मैं दुनियादारी की इस बात से दूर हूं, मुझे दुनियादारी की किस बात से दूर होने की जरूरत है, क्योंकि वो मेरे लिए अलग है, वो आप में से हर एक के लिए अलग हो। हमारी आजमाइश, हमारी कमजोरी सिर्फ हम वाकई, हमें उस कमजोरी पर कैसे गालिब पाना, उसके लिए मैं सिर्फ चंद आयात पढ़कर आज के कलाम को खत्म करूंगा। जो आखिरी हवाला है वो है जबूर 119, उसकी 10वीं से 16वीं आयत तक। तो ये अब हमें उस
कमजोरी पर, अपनी उस टेम्पटेशन पर ओवरकम होने के लिए क्या करना है, ये उस गाइडलाइन के लिए, उस ये आयात में उस बात के लिए गाइड करेंगे। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब होऊंगा, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ऐ खुदावन तो मुबारक है, मुझे अपने आईन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया, मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा, मैं तेरे आयन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। तो मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, ये हैं वो आयात जो एक ईमानदार के लिए मजबूत गाइडलाइंस है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से। तो इन आयात से, जो कि खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है, हमें ये पता चलता है कि जब हमने खुदा को ही पा लिया तो हमें वो शादमानी मिलेगी जो हर तरह की दौलत से मिलती है, बल्कि उससे भी बढ़कर। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि खुदा के कलाम को अपने दिल में, और जैसा कलाम में भी लिखा है कि खुदा आदमी की मानिंद नहीं जो जाहिरी पर नजर करते हैं बल्कि वो दिलों पर नजर करते हैं। आज हम गौर करेंगे इस बात पर कि शायद हमारी जुबान, हमारा जहन, हमारी बातें जब हम लोगों में बैठते हैं वो तो खुदा की तरफ है, लेकिन हमारा दिल कहाँ है? जब हम तन्हाई में होते हैं, जब हमारे पास ये वक्त होता है, तो हमारा दिल उस वक्त किन बातों की तरफ? आज खुदा हमें इस बात की मजबूती दे, इस बात की तौफीक दे कि हम अपने दिल को खुदा की तरफ रखें ताकि हम उसके खिलाफ ना ना। और जब तक हमारी जिंदगी इस जमीन पर है, खुदा हमें अपने नाम की जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको